हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ टॉम बोनो जीरो इरेजर का रिव्यू, जो कि काफी अच्छा इरेजर है एंड काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट इस इरेजर का यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इस इरेजर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या क्या क्वालिटी है इसकी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारा टॉम बोनो जीरो इरेजर, कुछ इस तरीके की इसकी लुक होती है। वैसे तो ये काफी सारे टाइप्स में हमें मिल जाता है, बाकी मेरे पास ये वाला है एंड ये मेड इन जापान है। एंड इस इरेजर के पीछे लिखा हुआ है 2.3, मतलब इसकी रिफिल 2.3 की है। एंड इस इरेजर में भी सेम मैकेनिकल पेंसिल के जैसे इस तरीके की कुछ लीड लगती है, जिसके पीछे प्लास्टिक की बनी हुई होती है एंड आगे पूरा वो इरेजर रहता है। क्योंकि ये इरेजर काफ़ी ज़्यादा पतला इरेजर है, इस वजह से इसका ज़्यादातर यूज़ हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए होता है। इसमें अगर आपकी लीड खत्म हो जाए तो इसकी रिफिल भी आती है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी, कुछ इस तरीके की इसकी रिफिल होती है। अगर ड्राइंग करते वक्त ये इरेजर थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो आप सीजर या कोई भी कटर का यूज करके इसे कट कर सकते हो। अब एक बार इस इरेजर को यूज करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ शेडिंग करने के लिए, देन सकुरा के मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ मैं, फिर आर्ट लाइन की 10B पेंसिल, देन लास्ट में चारकोल पेंसिल का यूज़ करके शेड कर लेते हैं। अब मैं एक नॉर्मल फ्लैट ब्रश का यूज़ करके इसे ब्लेंड कर लूँगा। अब यूज़ करते हैं टॉम बोनो जीरो इरेजर। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि टॉम बोनो इरेजर से कितनी अच्छी तरीके से हाइलाइटिंग्स हो पा रही है। अगर आपको छोटे छोटे हेयर्स को ड्रॉ करना है तो आप इस इरेजर का यूज़ करके काफ़ी अच्छी तरीके से हेयर्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सारे मीडियम्स में, मतलब सारी पेंसिल्स में काफ़ी अच्छी तरीके से इरेज कर पाया है। अब मैं बोथ चारकोल एंड ग्रेफाइट दोनों मीडियम से हेयर्स ड्रॉ कर लूँगा एंड फिर इसे हाईलाइट करके देखेंगे। तो अब हम चारकोल के हेयर्स को ब्लेंड करके देखेंगे, मतलब इरेज करके देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इरेज हो पा रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करके हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा ग्रेफाइट और चारकोल दोनों से कितनी अच्छी तरीके से हेयर्स ड्रॉ हो पाए। एंड इस इरेजर का यूज़ करके आप हाइपर रियलिस्टिक स्किन के टेक्सचर को भी बना सकते हो। अगर गाइज आप लोगों को इस इरेजर को परचेज करना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसे वहां से जाके परचेज कर सकते हो। गाइज यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको टॉम बोनो जीरो इरेजर का रिव्यू दिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने देखा है कि कुछ लोग वीडियो को डेली देखते हैं बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार याद से चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, इसे क्लिक कर दो बस। एंड गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि होली आने वाली है, तो होली पे हम काफी इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहना। बाय।